हेलो चमकली, तेरे गाल पे क्या निशान दिखाई दे रहा है? तू फालतू बकवास मत कर। क्या हो गया, हमेशा तुम दोनों लड़ते रहते हो। कहाँ लड़ाई कर रहा हूँ, चमकली को देखने से मेरे दिल में क्या क्या होता रहता है। चिंटू तू आज बहुत मार खाएगा, सारा आने दे क्लास पे, मैं सब कुछ बताऊंगा। तूने मेरे को फालतू तंग करके रख दिया। गुड मॉर्निंग मैम। देखो ना मैम, चिंटू हमेशा क्लास में मेरे को तंग करता है, मेरे को क्या क्या आना सना बोलता रहता है। क्या हो गया रे चिंटू, तू किस लिए इसको तंग करता है? कहाँ तंग करता हूँ मैम, मैं तो चमकीली को प्यार करता हूँ। तू फालतू बकवास मत कर, नहीं तो बहुत मारूंगा तेरे को मैं। प्यार के लिए तो मैं जान भी दे दूँ। तेरे को जान देने की जरूरत नहीं है, तो अपना गार्डियन लेके कल स्कूल में आना। ठीक है मैम, पिताजी को लाऊं या माता जी को लाऊं, किसको लेके आऊं? किसी एक को लेके आ जाना तू। ओके मैम, लेके आ जाऊंगा। हाँ जी सुनते हो? हाँ बोलो, क्या हुआ? चिंटू अभी तक स्कूल से घर नहीं आया। आ जाएगा, आप टेंशन मत करो, आ जाएगा। पापा मैं आ गया। आप क्या कर रहे हो? मैं झक मार रहा हूँ। ठीक है, आपको जो मारना है वो मारो, लेकिन कल रूपा मैडम ने आपको बुलाया स्कूल में। रूपा मैडम ने मेरे को स्कूल पे क्यों बुलाया? तूने कौन सा कांड किया? अरे पापा जी, मैंने कोई कांड नहीं किया, मैं स्कूल में जो अच्छा अच्छा काम करता हूँ इसलिए आपको बुलाया स्कूल में। मैडम आपको बधाई देंगे। वेरी गुड। तो एक काम करना, सुबह मेरे को जगा देना और गर्म पानी मेरे को पिला देना, मैं फ्रेश होके निकल जाऊँगा तेरे साथ। ओके पापा, ओके। चिंटू अभी तक स्कूल में नहीं आया? आ जाएगा मैम, आ जाएगा, चिंटू बात का बहुत पक्का है। क्यों भाई चिंटू, तू आ गया? तेरे पापा को लेके आया? हाँ मैडम लेके आया। पापा जी थोड़ा अंदर आ जाओ, रूपा मैम बुला रही है आपको। हेलो रूपा मैडम, गुड मॉर्निंग। क्यों रे चिंटू, तेरा मैडम तो बहुत खूबसूरत है। फालतू बकवास मत कीजिए, मैंने आपको जिस काम के लिए बुलाया वो सुनिए। चिंटू बेटा, तेरा मैडम तो तेरे मम्मी से भी सुंदर लग रही है। पापा एक काम करो, माँ को छोड़ दो और मैडम को शादी कर लो, इसमें हम दोनों का फायदा होगा। पापा आप लोग फालतू बकवास बंद करेंगे बाप बेटे, नहीं तो आपका बेटे को मैं स्कूल से ही निकाल दूंगा। सॉरी मैडम सॉरी, क्या हुआ बोलिए। आपका बेटा हमेशा चमकीली को स्कूल में आके तंग करता है, वो खुद भी नहीं पढ़ता है और चमकीली को भी पढ़ने नहीं देता है। मेरे दादा परदादा भी कभी ऐसा काम नहीं कर पाया। शाबाश बेटे चिंटू, शाबाश। मेरे घर में तो हीरा पैदा हुआ, जिसका बाप ऐसा है इसका बेटा कैसे अच्छा पैदा होगा। मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं एक ही लफ्ज बोलूंगा, गेट आउट। कहाँ उलझ गई मैडम, बच्चों को छोड़ो, मेरे बारे में क्या ख्याल है मैडम आपका? आप दोनों जैसे निकलोगे कि मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊं। मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आप मेरे को बहुत पसंद हो, आप अपने दिल का बात मेरे को बाद में बता देना। गुड बाय।